आज की वीडियो हम बात करेंगे होनर के एक टैबलेट के बारे में। इसका नाम है होनर पैड 8। इसकी कंप्लीट रिलीज डेट, प्राइस, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, और पाकिस्तान और इंडिया में बताऊंगा। इसकी स्पेसिफिकेशन होगी ऑफिशियल, तो कंप्लीट वीडियो वॉच कर लें। कॉन्टेंट पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल की टैबलेट की रिलीज डेट की। देखिए यहाँ पर रिलीज की बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान और इंडिया मुझे आता हुआ नजर आ रहा है अक्टूबर के एंड में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ अभी बात कर लेते हैं कब रिलीज हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ रिलीज डेट मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये इंडियन एक वेबसाइट है, इनका ये कहना है कि इंडिया में 18 अक्टूबर को अनऑफिशियल तौर पे लॉन्च किया जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, ये अनऑफिशियल डेट है, ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ प्राइसिंग की, तो क्या प्राइस रेंज आएगी पाकिस्तान में। तो प्राइस का बताता चलूँ आपको, पाकिस्तान में 50,000 इसकी प्राइस होगी, देख सकते हैं आप 50,000 इसकी प्राइस होगी पाकिस्तान में। और मजीद बात कर लें इसके बारे में, तो यहाँ पर मैं इंडियन प्राइस बताता चलूँ, इंडिया प्राइस होगी लगभग 18,000 के करीब, ठीक है। तो ये प्राइस आ गई इसकी। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं जल्दी से इसकी इंटरनेशनल रिलीज डेट की, तो क्विकली मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलीज डेट की। देखिए इंटरनेशनल तो कुछ भी कंफर्म नहीं कब रिलीज हो रहा है, चाइना में भी रिलीज नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ये भी रिलीज हो जाएगा अगस्त के अंदर ये, ओके। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलीज डेट कन्फर्म हो गई। इसका वेट होगा 520 ग्राम, और ग्लास फ्रंट एल्यूमिनियम बैक और फ्रेम के साथ आएगा। और यहाँ पर कोई हमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी 1200x2000 एंड 194 PPI मिल जाएगा। इट्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 एंड मैजिक UI 6.0, नो गूगल प्ले सर्विसेज, ओके। एंड टैबलेट का साइज होगा 12 इंचज, और क्वालकॉम का 680 प्रोसेसर लगाया गया है इसके अंदर, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेसर है। मेमोरी कार्ड स्लोड नहीं होगा। रैम 4GB और 128GB रैम, 4GB से 6GB, और स्टोरेज जस्ट 128GB ही लगाई गई है इस टैबलेट के अंदर। और मेन सेंसर 5 MP का, 1080p वीडियो बनाएगा। सेल्फी कैमरा मिल जाएगा 5 MP का, 1080p वीडियो बनाएगा। 8 स्पीकर मिल जाएंगे टैबलेट के अंदर, वाह काफ़ी अच्छी हमें ना यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी स्पीकर होगी जी। तो 8 स्पीकर मिल जाएंगे यहाँ पर। अब देखेंगे कि क्वालिटी कैसी होती है। 3.5 mm ऑडियो जैक मौजूद नहीं, मेरे ख्याल से होना चाहिए था मौजूद, अभी ये ज्यादती करी इन्होंने। यहाँ पर इतना बड़ा टैबलेट है तो 3.5 mm जैक डालने से कौन सी जगह कम पड़ जाती है समझ नहीं आता कुछ। अच्छा ब्लूटूथ 5.1 के साथ आ रहा है। यहाँ पर टाइप सी मिल जाएगी, और बैटरी मुझे कुछ छोटी नज़र आ रही है यहाँ पर, जो कि है 7250 mAh। मजीद बात कर लें इसके बारे में, तो 22 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, 5 वोल्ट की रिवर्स चार्जिंग मिल जाएगी। किसी किस्म की वायरलेस चार्जिंग मौजूद नहीं है। और बात कर लें इंटरनेशनल प्राइस की, तो इंटरनेशनल प्राइस मिलेगी 210 यूरो, जो कि मैं पाकिस्तान और इंडिया में कन्वर्ट करके बता चुका हूँ आपको। तो ये थी कंप्लीट यहाँ पर वीडियो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही, तो मेक श्योर चैनल को एक्सप्लोर करें और चैनल को देख लें आप, तो आपको हंसता मजीद और वीडियोज मेरी पसंद है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को जी। तो मैं एंड में यहाँ पर एक ही बात कह सकता हूँ आपको यहाँ पर, अगर तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसा कि पता चल जाएगा आप लाइक कर रहे हैं। और जब भी आप वीडियो लाइक करते हैं तो पता चल जाता है कि व्यूअर्स को पसंद आ रहा है कंटेंट, इस किस्म का कंटेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, और या तो फिर मैं आपको कमेंट्स में समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।